गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे गाइस। और आज का जो वीडियो है, तो गाइस सॉरी मेरा बेटा आ गया था। तो आज का जो वीडियो है, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे चैनल में जो है प्रॉब्लम चल रही है। एक हफ्ते से अकाउंट जो है वो एक्सेस अकाउंट की प्रॉब्लम चल रही है, वो वेरीफाई नहीं होने की वजह से जो है मेरे चैनल का ऐड जो है वो डिसेबल कर दिया गया था। मोनेटाइज ऑन था बट ऐड जो है वो डिसेबल कर दिया गया था। इस वजह से जो है मेरी वीडियो मेरा डालने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि जब चैनल में डॉलर नहीं होंगे, ऐड नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा मेरे इतनी मेहनत करके। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, बट वो प्रॉब्लम जो है अब थोड़ी सॉल्व हो रही है। तो वो सॉल्व हो गई है, तो अब जो है एड्रेस वेरीफाई की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके वजह से जो है मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि जो रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों को जो है वीडियो दे सकूँ। बट इस समय जो है जैसे कि आप जानते हैं कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मेरे पास टाइम भी इस समय नहीं है क्योंकि बेटे का बर्थडे है और काफ़ी जो है फंक्शन है घर में। इस वजह से मैं थोड़ा जो है आप लोगों को वीडियो भी शेयर करती रहूँगी, किसी ना किसी चीज़ का, नोज मसाज का और कई चीज़ों का जो है मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और आज जो है मैं आपको घर में जो है जो शेविंग देख सकते हैं स्टिक, तो इससे जो है आप अपनी आईब्रो किस तरह से जो है बना सकते हैं वो आप लोगों को जो है ट्रिक बताऊँगी। हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी रिस्की है, तो रिस्क तो हर चीज़ में है। अगर आप नॉर्मली ब्यूटी पार्लर में जाके शेव उसमें जो है करवाते हैं धागे से, तो वो उसमें भी जो है रिस्क होता है। बट तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हर चीज़ में, ज़्यादा जो है नज़दीक से करें और अच्छे से दिखाई दे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, तो आप उसमें जो है अच्छे से कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे, तो अगर आप बिल्कुल धीरे हैंड से अगर आप करेंगे, बिल्कुल स्लोली, काफ़ी ध्यान देके अच्छे से दिखाई देना चाहिए। तो आप नॉर्मली जो अपने हाथ से जो है आप अपना देख सकते हैं आप, क्योंकि मेरी आईब्रो जो है 4 ईयर्स से मैंने अपने आईब्रो जो है नहीं बनवाया है, मैंने देख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसमें देख रहे हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है इससे। और बिल्कुल आप स्लोली जो है करेंगे तो और भी अच्छे से फिनिशिंग आएंगी। और जो ये एक्स्ट्रा हेयर है, तो इसे आप जो है कैंची से आप इसे काट सकते हैं। जो ज़्यादा हेयर जो है आगे के बड़े आपको दिखाई दे रहे, तो आप इस तरह से जो है छोटी सी कैंची से आप काट सकते हैं इसे।
को ही देख सकते हैं आप कितने अच्छे से जो है मेरी आईब्रो फिल हो चुकी है, देख रहे हैं आप कितने अच्छे से बन गई है, एंड ये वाली आप देख सकते हैं। वैसे भी देख सकते हैं मेरी आईब्रो जो है कितनी अच्छे से हो गई है, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है उनके लिए है जिनकी आईब्रोज जो है बिल्कुल ज्वाइंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा पूरे या बहुत ज़्यादा जो है जिन हेयर निकल आते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन जो है उनके लिए है जिनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा निकल आती है, तो उनके लिए जो है ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा ये जो है ट्रिप कैसी लगी। और ये जो है मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाया था, 3 पैक आया था इसमें, देख सकते हैं आप पिंक कलर में, और 3 पैक आया था पिंक और येलो ग्रीन, तो ये 3 पैक है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके जो है परचेस कर सकते हैं। और आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करूँगी, मेरी प्रॉब्लम जो चैनल में प्रॉब्लम आई थी उसको जो है मैंने जो है खुद सॉल्व करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, बट वो नहीं हो पाया, तो मैंने किसी जो है मेरा एक ब्रदर है उन्होंने जो है सही किया था, तो उन बहुत जल्दी जो है मैं उनका जो है चैनल आप लोगों से शेयर करूँगी, और उनकी जो उन्होंने मेरा चैनल किस तरह से सही किया है वो हर चीज़ जो है आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूँगी गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर आपको इसमें जो है थोड़ा रिस्की लगे या कुछ मिस्टेक हो गई हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट करिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और दही वाला जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा है, आईब्रो आप घर में ही खुद से बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिमर जो आता है उसके लिए भी जो है वो चार्जिंग करो से, और एक आता है जो उसमें सेल डालने पड़ते हैं, पर वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, वो इतनी अच्छे से आपकी जो है बन नहीं सकती है जितनी अच्छी इससे है। और अगर ज़्यादा हेयर आपके हैं तो आप, मैंने पाउडर नहीं लगाया था इसमें, अगर ज़्यादा हेयर है बहुत ज़्यादा तो आप पाउडर लगा सकती हैं, पाउडर लगाने के बाद जो है आप इसे ट्राई कर सकती हैं, एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।